हेलो स्टूडेंट्स दिस इज प्राची वेलकम टू अवर चैनल आज हम करने वाले हैं क्लास अलेवेंथ फिजिक्स का चैप्टर थर्मो का नया टॉपिक दैट इज थर्मो प्रोसेसेस प्रोसेस यहाँ तक कि हमने जितने भी वीडियोस कवर कर लिए हैं उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप जाके प्ले लिस्ट को थ्रू कर सकते हैं ऑल्सो यहाँ तक कि हमने जितने चैप्टर्स कवर कर लिए उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो स्टार्ट करते हैं आ, आज थर्मोडाइनेमिक प्रोसेसेस तो कितने होते हैं थर्मोडाइनेमिक प्रोसेसेस कैसे हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं क्या क्या वो वर्क डन करते हैं तो हमारे पास देर आर नियर अबाउट सिक्स थर्मोडाइनेमिक प्रोसेसेस नंबर वन पे आता है क्वेसिस्टेटिक प्रोसेस सेकेंड नंबर पे आता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस थर्ड नंबर पे आता है आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस फोर्थ नंबर पे आता है आइसोकोरिक प्रोसेस फिफ्थ नंबर पे आता है आइसोबारिक प्रोसेस एंड सिक्स नंबर पे आता है आपके पास साइक्लिक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कैसे स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है कैसे स्टैटिक प्रोसेस का मतलब होता है जब हम कहेंगे नियरली स्टैटिक नियरली स्टैटिक यानी कि जब हम बहुत 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 स्लो एक ऐसे प्रोसेस को फॉलो कराते हैं सच दैट उसके अंदर हमें चेंजेस का इतना पता ही नहीं चलता चेंजेस हमें लगते ही नहीं हैं हो भी रहे हैं लेकिन चेंजेस हो रहे होते हैं बट स्टिल हमें लगता है चेंजेस नहीं हो रहे हैं बिल्कुल सेम 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 चल रहा है तो उसे हम बोलते हैं क्वेसिस्टेटिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस जैसे कि आइसो सेम थर्मल मतलब कि उसमें टेम्परेचर तो जब कभी भी हम टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं या फिर कॉन्स्टेंट रख के कोई प्रोसेस फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबैटिक एडियाबैटिक मतलब कि ना हीट इन ना हीट आउट तो यानी कि चेंज इन हीट जो होती है वो क्या रहती है जीरो यानी कि हीट हम कांस्टेंट रखकर जब प्रोसेस फॉलो करते हैं दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस आइसोकोरिक जब हम यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम को जीरो रखते हैं चेंज इन वॉल्यूम मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम मतलब कि वॉल्यूम आपका कॉन्स्टेंट रहता है यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पर हीट कांस्टेंट है तो चेंज इन हीट जीरो हो गया ठीक है आइसोबारिक बार इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर तो जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रख कर कोई प्रोसीजर फॉलो करते हैं दैट इज आइसोबारिक बारिक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हम कह सकते हैं कि मान लो ये इनिशियल स्टेज है ये फाइनल स्टेज है तो पहले हम यहाँ से यहाँ पर पहुंचे फिर हम यहाँ से यहाँ पे पहुंचे यानी कि प्रॉपर एक साइकिल शुरू हो चुका है साइकिल शुरू होने का मतलब क्या है अगर मान लो यहाँ पर 10 जूल की इसके पास एनर्जी थी यहाँ पचास होगी यहाँ साठ होगी यहाँ हो गई फिर से 50, 60 चालीस और फिर से दस पे आ गई यानी कि जहाँ से हम शुरू हुए थे वहीं पर हम क्या हो गए ख़त्म हो गए दैट मीन्स यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो कांस्टेंट रहता है जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो आपकी स्टेट फंक्शन होता है स्टेट पे डिपेंड करती है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होती है तो साइक्लिक प्रोसेस में जहाँ से जाओगे वहीं पर घूम के वापस आओगे तो जिस स्टेट पर गए वहीं से स्टेट पर वापस आ गए यानी कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है ठीक है अब इन्हीं प्रोसेसेस को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वास क्वासेसटैटिक प्रोसेस सो फर्स्ट वन इज़ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जिसमें हम बोल सकते हैं नियरली स्टैटिक यानी कि इतना स्लो जो हमें क्या लग रहा हो स्टैटिक ही लग रहा हो रुका हुआ ही लग रहा हो जो एकदम से चेंज ना होता हो ठीक है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं मान लो ये आपके पास एक बीकर है ठीक है यहाँ पर क्या लगा हुआ है एक पिस्टन लगा हुआ है ठीक है और इस पिस्टन पे यहाँ पे हमने बहुत हैवी हैवी वेट रख दिए हैं ठीक है नीचे क्या है को, कोई भी फ्लूड है या फिर गैस है ठीक है यहाँ पर बहुत हैवी हैवी वेट रखे हुए हैं हमने इन हैवी हैवी वेट का मतलब क्या है कि इसने इस पिस्टन को यहाँ पे क्या रखा है इसको दबा के रखा हुआ है यहाँ पे प्रेस करके इसको रखा हुआ है अगर मैं एकदम से ही इन वेट्स को हटा देती हूँ ठीक है एकदम से मैंने इन वेट को हटा दिया तो क्या होगा एकदम से मैंने वेट को हटा दिया ये पिस्टन ऊपर की तरफ एकदम से मूव कर जाएगा ठीक है इन जस्ट वन मोमेंट में एकदम से पिस्टन ऊपर चला जाएगा ठीक है जब एकदम से चेंज हो जाएगा तो अंदर का जो भी इसके अंदर प्रेशर है वॉल्यूम है टेम्परेचर है सब चीज़ें बहुत जल्दी वेरी क्विकली चेंज हो जाएंगी राइट दैट इज नॉट अ कासिस्टेटिक प्रोसेस ठीक है तो हम इनिशियल से लेकर फाइनल स्टेज तक हमने पहुँचना था और बहुत हम क्विकली पहुँच गए बहुत क्विकली पहुँच गए ठीक है तो यहाँ पर हम एक प्रो यहाँ पे ग्राफ भी देख लेते हैं कि मान लो ये इनिशियल स्टेज थी ये थी फाइनल स्टेज ठीक है इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ठीक है तो हमने जो भी पहुँचना था तो हम यहाँ पे एकदम से क्विकली पहुँच गए

ठीक है थोड़ा सा स्लो किया पहले हमने बहुत फास्ट किया था फिर हमने थोड़ा सा स्लो किया जब स्लो किया तब हमारा जो पाथ आ रहा था वो कुछ इस तरीके से आ रहा था कि यूं ऐसे धीरे 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 प्रेशर आया फिर धीरे 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 जो है वो तो वॉल्यूम की तरफ ऐसे 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 गया ठीक है फिर हमने क्या किया फिर हमने इसको थोड़ा सा और स्लो करने की कोशिश करी ठीक है फिर हमने देखा ये थोड़ा सा डिफरेंट पाथ आ रहा था ये कुछ इस तरीके से आ रहा था ठीक है कुछ ऐसे आ रहा था कि प्रेशर फिर वॉल्यूम वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर तो यानी कि हमारा मेन एम है इनिशियल से फाइनल स्टेज पे पहुंचना तो हमने दो तीन प्रोसीजर करके देख लिए फिर हमने एक ऐसा प्रोसीजर फॉलो करा कि जिससे जिससे कि जो सराउंडिंग्स का और अंदर का जो भी प्रेशर वेरिएशन था वॉल्यूम वेरिएशन था वो बहुत पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट जो था वो चेंज हो रहा था बहुत ही स्मॉल चेंजेस आ रहे थे ठीक है बहुत स्मॉल चेंजेस आ रहे थे इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये था बीकर ठीक है अब ये था पिस्टन अब मान लो वेट तो मैंने हटा ही दिया मेरे को वेट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वेट मैं धीरे धीरे भी हटाऊं तो भी जैसे मर्जी करूँ तो ये कर्व बन रहे थे तो हमने क्या किया हम अपने हाथ से ही धीरे 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 पिस्टन को हटा रहे थे एट एट एवरी सेकेंड लगा लो या एट एवरी मोमेंट आप लगा सकते हो प्रेशर चेंज हो रहा था वॉल्यूम चेंज हो रहा था बट वो इतना स्मॉल चेंज हो रहा था कि वो हमें लग रहा था कि इतना ज़्यादा चेंज आ ही नहीं रहा ठीक है वो इतना ज़्यादा चेंज आ नहीं रहा बट हो रहा था चेंज हो रहा था प्रेशर जो था वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था किसमें डेल्टा पी चेंज आ रहे थे उसके अंदर ठीक है जो वॉल्यूम था उसके अंदर वॉल्यूम में डेल्टा वॉल्यूम चेंजेस आ रहे थे और ये जो चेंजेस थे ये बहुत स्मॉल थे इन्हीं स्मॉल स्मॉल चेंजेस को हमने ग्राफ पे जब प्लॉट करा तो हमें ऐसे ऐसे पॉइंट मिल रहे थे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स मिल रहे थे छोटे छोटे डॉट्स मिल रहे थे ठीक है तो हमें ऐसे ऐसे डॉट्स मिल रहे थे कि इतना छोटा छोटा चेंज कि हम ए एक एक डॉट से दूसरे डॉट में देखो कितना डिफरेंस है बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है तो इतना स्मॉल स्मॉल चेंजेस आ रहे थे और इसको जब हमने डॉट्स को प्लॉट करा तो हमें कुछ इस तरीके का ऐसे कर्व मिल गया ऐसे कर्व ठीक है अब ये जो प्रोसेस है दिस इज क्वासिस्टेटिक प्रोसेस कि इतना स्लो हुआ कि हमें वो पॉइंट्स प्लॉट करें हमने उसके ग्राफ पे और वो जो पॉइंट्स करे तो हल्का सा क्या दिया उसने हमें हल्का सा कर दिया मेन एम इनिशियल टू फाइनल स्टेज पर ही पहुंचने का था बट हमने बहुत स्लो स्लो उसको मूव करवाया ठीक है नाउ इसका रियल लाइफ में क्या मेन मेन क्या है इसके अंदर तो इसमें आप देख सकते हो जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ठीक है उसके अंदर छोटे छोटे रेलवे लाइन्स में छोटे छोटे गैप दिए जाते हैं ठीक है अगर ये रेलवे लाइन्स है ये इधर की रेलवे लाइन है ये इधर की है तो यहाँ पे छोटा सा ना बीच में गैप दिया होता है क्यों सर्दी में गर्मी में गर्मी में क्या होते हैं वो एक्सपैंड होती है है ना हर एक चीज एक्सपैंड होती है राइट और सर्दियों में वो क्या हो जाती हैं कॉम्प्रेस होने की कोशिश करती हैं तो वो एक्सपेंड जो एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन जो दोनों हो रही हैं वो इजिली हो जाएं अपने आप ठीक है तो जिस वजह से वहाँ पे गैप रखे जाते हैं तो अपने आप का मतलब क्या है कि ऐसा थोड़ी होता है कि एक दिन सर्दी है और अगले दिन बिल्कुल ही गर्मी हो गई है ना या आज गर्मी है अरे कल से तो बिल्कुल ही फोर्टी टेम्परेचर से बिल्कुल ही माइन माइनस फाइव पर चला गया ऐसा तो नहीं होता धीरे 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 टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं ना वेदर में चेंजेस धीरे, धीरे धीरे आते हैं तो वो जो स्लो 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 प्रोसेस है ऐसी ही स्लो 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 इसके अंदर क्या होती है एक्सपेंशन होती है सो दिस इज़ इतना स्लो प्रोसेस जिसमें हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब एक्सपैंड हो गया है ना तो ये होता है आपका क्वैसी स्टेटिक प्रोसेस तो इस तरीके से ये थी इसकी फर्स्ट प्रोसेस नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की तो आइसोथर्मल प्रोसेस करने से पहले हम उसको ये देखते हैं कि आइसोथर्मल सिस्टम को हम अचीव कैसे करते हैं कि एक सिस्टम को हम आइसोथर्मल बनाते कैसे हैं तो उसके लिए ऐसे समझिए कि जैसे मान लो ये बीकर है ठीक है इसके अंदर हमने एक गैस फिल की हुई है राइट यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है बस द डिफरेंस इज की जो वॉल्स है ना इन वॉल्स को आपने लिया है कंडक्टिंग दीज वॉल्स आर कंडक्टिंग वॉल्स ठीक है अब कंडक्टिंग वॉल्स का मतलब क्या है कि हीट क्या हो सकते है इन आउट हो सकते हीट ट्रांसफर हो सकता है ठीक है तो इसको इसको हमने आइसोथर्मल कैसे बना दिया तो आप तो सोच रहे हो कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट होना चाहिए तो अगर आपने कंडक्टिंग वॉल्स बना दी तो टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट होगा तो देखो मान लो ये है एट रूम टेम्परेचर है पहले मान लो ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये हम काम कर रहे हैं ठीक है हमने क्या किया हमने इसको हीट दे दी और इसको हमने प्रोवाइड किया अप टू कहाँ ले गए हम फोर्टी डिग्री सेल्सियस के पास हम ले गए इसको लेकिन वॉल्स कंडक्टिंग है वॉल्स कंडक्टिंग की वजह से जो हीट है वो सराउंडिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी तो ये फिर से बैक टू कहाँ आ जाएगा ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा नाउ अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम ये तो बहुत धीरे धीरे टाइम लेगा तो इसमें कैसे आइसोथर्मल हुआ बट नहीं ये जो प्रोसेस होता है बहुत रैपिडली होता है बहुत फास्ट होता है कैसे हमने तो हीट दे दी तो वो एकदम से 40 पे भी पहुंच गया लेकिन हमने क्या किया होता है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हमने कूलर्स प्रोवाइड किए होते हैं दोनों तरफ से सच दैट कि वो फटाफट से किस पे आ जाए रूम टेम्परेचर पे आ जाए बहुत जल्दी फास्ट हो जाए तो अगर हम हीट दे भी रहे हैं तो फटाफट से उसी टेम्परेचर पर ही आता रहता है सो दिस इज हाउ वी अचीव एन आइसोथर्मल सिस्टम ठीक है अब यहाँ पे एक चीज देखो यहाँ पे जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो फिक्स्ड है ठीक है टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं हो रहा तो उससे रिलेटेड अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें पता है कैसे हम फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस जहां हम कहते हैं जो टेम्परेचर होता है वो फिक्सड होता है या फिर वो कॉन्स्टेंट होता है ठीक है अब जैसे कि हमें पता है बहुत अच्छी हमें इक्वेशन पता है पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी ठीक है एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है आपके पास ठीक है अब यहाँ से अगर मैं बोलती हूँ कि म्यू जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स दैट इज़ कॉन्स्टेंट आर इज़ गैस कॉन्स्टेंट ठीक है वो भी कॉन्स्टेंट है अगर मैं टेम्परेचर को भी फिक्स कर लेती हूँ तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो गई कॉन्स्टेंट तो पी वी इक्वल्स टू क्या हो गया आपका पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट ठीक है अब यहाँ कॉन्स्टेंट है तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है पी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अपॉन में वॉल्यूम और यू कैन राइट पी जो है वो इन्वर्सली परपोर्शन है वॉल्यूम के ठीक है तो इसे ही हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ कि जब कभी भी प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ ठीक है अब ये बॉयल्स लॉ तो है अब यहाँ से हम अगर देखें कि कितना वर्क डन हुआ है ठीक है कितना वर्क डन हो, होता है इस प्रोसेस में तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं ठीक है उसके लिए वर्क डन के लिए हमें पता है वर्क डन क्या होता है वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर डेल्टा वी ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की जब हमने पढ़ा था तब हमने वहाँ से फॉर्मूला निकाला था कि वर्क डन क्या होता है वर्क डन इज पी डेल्टा वी ठीक है ओके तो अगर मुझे स्मॉल वर्क डन निकालना है ठीक है स्मॉल वर्क डन में मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रही हूँ ठीक है टेम्परेचर कांस्टेंट है मेरा दैट मींस की जो वॉल्यूम का जो चेंज होगा ठीक है डेल्टा वी जो होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा ठीक है वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो बहुत स्मॉल आएगा ठीक है जाएंगे तो सही हम वी वन से वी टू पर तो जाएंगे ही ठीक है तो वहाँ पर जो जो होगा वो बहुत स्मॉल एक्सपेंशन होगा ऑल्सो जैसे कि हमें पता है कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है ठीक है, टेम्परेचर फिक्स रख रहे हैं दैट मीनस उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी जीरो हो जाएगी तो अब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो क्यों है ठीक है मैंने तो बोला था कि टेम्परेचर फिक्सड है इंटरनल एनर्जी जीरो क्यों है उसे समझते हैं तो जैसे कि मान लो हमने क्या बात करी थी कि इसका हमने टेम्परेचर फिक्स करके रखा हुआ था ठीक है तो जितने टेम्परेचर पे जित जो जो पार्टिकल्स के पास जो जो कनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी थी वही रहेगी क्योंकि टेम्परेचर जो है वो सेम ही रह रहा है ठीक है टेम्परेचर सेम है तो सेम टेम्परेचर पर जितनी भी उसकी कनेक्टिक एनर्जी है या फिर पोटेंशियल एनर्जी है ये दोनों हैं वो क्या रहेंगी बिल्कुल सेम रहेंगी तो यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी जो रहेगी वो क्या रहेगी सेम कांस्टेंट दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो क्या हो गया आपका ज़ीरो यानी कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो तो चेंज होगी ही नहीं दैट्स वाई डेल्टा यू इज़ ज़ीरो तो जैसे ही डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है ये जीरो हो गया तो जितनी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी की सारी किस में जा रही है वर्क डन में जा रही है तो अब यही वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं कितना वर्क डन होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में दैट मीन्स जितनी हम हीट दे रहे हैं टेम्परेचर उसका नहीं बढ़ रहा है ना टेम्परेचर फिक्स है यानी कि जितनी भी हम हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है ना ठीक है तो इंटरनल एनर्जी तो तभी आएगी ना जब उसके पास टेम्परेचर रुकेगा टेम्परेचर तो फिक्स है आपका तो यानी कि जो भी हीट हम दे रहे हैं वो वर्क डन में जा रही है वर्क डन में जा रही है दैट मींस की एक्सपेंशन तो होगी डेफिनेटली होगी तो अगर मैं स्मॉल के लिए देखती हूं फॉर स्मॉल वर्क डन तो स्मॉल वर्क डन के लिए क्या लेंगे डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डीवी फॉर स्मॉल वर्क डन बट फॉर कंप्लीट सिस्टम हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कंप्लीट के लिए हम करेंगे इंटीग्रेशन ठीक है पी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा आपके पास ओके okay, और आ, हम इंटीग्रेशन करेंगे ओवर डी लिमिट्स आएंगी डी वन टू वी टू ठीक है ओके नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं पी की पी की वैल्यू पुट करनी है तो पी की वैल्यू यहाँ से बताओ क्या आएगी पी की वैल्यू पी इक्वल्स टू न्यू आर टी बाई वी पुट कर दो यहां पर इंटीग्रेशन खत्म पे आ गया आपका टोटल वर्क डन पी की जगह पे हम लिखेंगे म्यू आर टी बाय वी अब वी मैं अंदर ले जाती हूँ बाय वी तो ये हो गया आपका वी वन टू वी टू ठीक है अब यहाँ पे हमने एक लॉ पढ़ रखा है इंटीग्रेशन का कि जब कभी भी जब कभी भी आपके पास ऐसा होता है इस तरीके से होता है कि कोई भी अगर आपके पास नीचे वेरिएबल है उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर पड़ा हुआ है और यहाँ पे आप इंटीग्रेशन देख रहे हो तो उसका जो आंसर होता है वो लॉग एक्स होता है ठीक है उसका हम लॉग लिख देते हैं ये हमने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन के अंदर ठीक है तो हम क्या लिख देंगे म्यू आर टी और यहाँ से सीधा आ जाएगा आपके पास लॉग वी और लिमिट्स क्या हैं आपके पास वी वन टू वी टू ठीक है तो लिमिट्स पुट करेंगे म्यू आर टी पहले फर्स्ट लिमिट आएगी फिर आएगी माइनस करके सेकेंड लिमिट और यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला पता है लॉग का कि लॉग एम माइनस लॉग एन वो होता है लॉग एम बाय एन ठीक है ये भी फॉर्मूला पढ़ रखा है अगर प्लस होता है दोनों के बीच में तो ये मल्टीप्लाई में आते हैं माइनस होता है तो डिवाइड में आते हैं तो यहाँ से आगे डब्ल्यू इक्वल्स टू म्यू आर टी लॉग वी टू बाई वी वन तो ये वर्क डन करके दिखाता है प्रोसीजर जब हम एक आइसोथर्मल प्रोसेस फॉलो करते हैं ठीक है अब इस चीज से समझने वाली क्या चीज है कि अगर इफ सबसे पहले यहां पर हीट तो जा रही है ठीक है उसके पास हीट जा रही है सिस्टम के पास तो हीट जा रही है दैट मीन्स क्यू जो है हीट इज ऑब्जॉर्ब तो जो हमारा क्यू जो है वो क्या है पॉजिटिव है ठीक है फिर हम कह सकते हैं अगर v2 टू इज ग्रेटर वी v2 मतलब कि बाद वाला बाद वाला जो वॉल्यूम है पहले वाले वॉल्यूम से ज्यादा यानी कि गैस जो हुई है वो क्या हुई है एक्सपैंड हुई है फैली है, है ना यहाँ से हमने इसको हीट दी और ये जो सिस्टम है पहले इतना था फिर वो एक्सपैंड होकर इतना हो गया ठीक है उसका वॉल्यूम क्या हुआ है चेंज हुआ है उसका वॉल्यूम

पॉजिटिव है ऑब्वियसली यहां पर देखो वी टू बाई वी वन ये अगर बड़ा होगा ये छोटा होगा तो पॉजिटिव ही आएगा ठीक है ऑन द अदर हैंड ठीक है उसका उल्टा अगर हम करते हैं उसका उल्टा का क्या मतलब है कि अगर वी वन छोटा होता ठीक है अगर आपका वी वन छोटा होता वी टू बड़ा होता V1 वन सॉरी वी बड़ा होता और V2 छोटा होता तो बस बस इसका सिर्फ क्या हो जाता उल्टा हो जाता कि V1 बड़ा यानी कि पहले ज्यादा था ठीक है पहले ज्यादा था फिर इतना था पहले फिर क्या हुआ है फिर हमने उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रख के पिस्टन को हम नीचे लेकर आए हैं यहां तक लेकर आए हैं पिस्टन को तो हमने इतना वर्क डन किया है उसके ऊपर ठीक है गैस क्या हुई है कंप्रेस हुई है कंप्रेस हुई है तब हम कहते हैं कि डन ऑन द सिस्टम हुआ है ऑन द सिस्टम के लिए क्या लेते हैं हम नेगेटिव लेते हैं ठीक है यहाँ से इस चीज़ को समझो जैसे कि हमने क्या किया था हमने यहाँ पर दिया था एक बीकर बीकर में एक गैस ठीक है और यहाँ पे हमने दे दिया था पिस्टन ठीक है टेम्परेचर हमारा फिक्स्ड था ठीक है तो हमने पहले क्या किया था हमने पहले दी हीट ठीक है पहले हमने उसको हीट प्रोवाइड करी फाइन जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा ये गैस क्या होगी एक्सपैंड होगी तो ये जो पिस्टन है मूव होके कहा आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा पिस्टन राइट मूव होके यहाँ पे आ जाएगा तो यानी कि उसका वॉल्यूम क्या हो गया बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ गया यानी कि इनिशियल वॉल्यूम कम था एंड फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया ज्यादा दिस इज वीटो इज फाइनल वॉल्यूम एंड दिस इज इनिशियल वॉल्यूम तो यानी कि यहाँ पे गैस क्या हुई है एक्सपैंड हुई है क्या हुई है एक्सपेंशन हुई है गैस एक्सपैंड हुई है पिस्टन क्या हुआ है अप हुआ है यानी कि यहाँ पर वर्कडन किसने किया है सिस्टम सिस्टम ने किया है पिस्टन को ऊपर करके वर्कडन किसने किया है सिस्टम ने किया है तो वर्कडन इज बाय द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये बड़ा होगा तो डेफिनेटली वर्कडन हमारा पॉजिटिव होगा ठीक है सिमिलरली अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं इस चीज़ को यहाँ पे मान लो यहां पर गैसेस फिल्ड है ठीक है ये पिस्टन लगा हुआ है अब हमने इस पिस्टन को प्रेस कर दिया प्रेस कर दिया तो अब वो यहां पे आ गया मान लो ठीक तो है तो ये जो गैसेस हैं वो बिल्कुल पास 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 आ गई हैं तो पहले वॉल्यूम ज्यादा था अब वॉल्यूम क्या हो गया कम हो गया यानी कि फाइनल वॉल्यूम अब कम हो गया है इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा हो गया दैट मीनस क्या हो गई है uh, पहले एक्सपेंशन थी अब क्या हो गई कॉम्प्रेशन हो गया राइट क्या हो गया कॉम्प्रेशन यानी कि स्क्वीज हो गई है स्क्वीज़ हो गया और हमने इसको प्रेस किया है हमने इसे प्रेस किया है प्रेस करने का यानी कि काम हमने किया है तो डन किस पे हुआ है ऑन द सिस्टम। वर्क इज़ ऑन द सिस्टम। ठीक है यहाँ पे वर्क डन कहाँ हो रहा है सिस्टम पर हो रहा है दैट्स वाई यहाँ पे वर्क डन क्या होगा निगेटिव होगा ठीक है सो दिस इज हाउ वी अचीव थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस और किस तरीके से वो Uh, हमारा फर्स्ट लॉ से बताता है कैसे साइन कन्वेंशन आती है सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस चलिए नेक्स्ट करते हैं तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं सो दिस इज द सेकेंड प्रोसेस विच इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस उसके बाद आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस आता है थर्ड प्रोसेस दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस सो द नेक्स्ट वन इज थर्ड दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या वर्कडन होता है उससे पहले हम देखेंगे एडियाबैटिक सिस्टम को हम अचीव कैसे करते हैं ठीक है तो जैसे हमने आइसोथर्मल सिस्टम के अंदर हमने क्या लिया था एक बीकर लिया था उसके अंदर हमने गैस फिल करी थी उसके अंदर हमने पिस्टन यहाँ पे लगा दिया था ठीक है और वॉल्स क्या रखी थी कंडक्टिंग लेकिन अब हम यहाँ पे वॉल्स क्या रखेंगे एडियाबैटिक वॉल्स दैट इज़ नॉन कंडक्टिंग वॉल्स ठीक है क्या रखेंगे नॉन कंडक्टिंग वॉल्स यानी कि अब जो हीट है वो इन नहीं हो सकती आउट नहीं हो सकती है ठीक है तो इस तरीके से हमने एक एडियाबैटिक सिस्टम को प्रिपेयर किया है ठीक है अब क्या होगा अब मान लो मैंने यहाँ पे हॉट गैस फिल किया यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर वाली गैस इसके अंदर फिल कर दी मैंने ठीक है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ठीक है टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा जैसे मैंने इसको फ़िल किया ज़्यादा गैस थी पिस्टन यहाँ पर था और इसको मैंने हॉट टेम्परेचर पे इसको हॉट गैस को मैंने फ़िल किया था तो अब क्या होगा अब ये पिस्टन धीरे 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 ऊपर आ जाएगा एक्सपेंशन होगी ऑब्वियसली टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके पास क्या होगी उसके पास एनर्जी ज़्यादा है एनर्जी ज़्यादा तो वो फैलने की कोशिश करेंगे ठीक है तो वो फैलने की कोशिश कर रहे हैं और वो यहाँ पर आ गया पिस्टन ऊपर की तरफ़ आ गया ठीक है यहाँ आ गया अब जैसे ही वो पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो शांत हो रहे हैं है ना वो शांत हो रहे हैं और उनकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है कम हो रही है इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है कम हो रही है डिक्रीज हो रही है राइट ठीक है इस चीज़ को दोबारा समझो हमने हॉट गैस फिल की थी जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था टेम्परेचर ज़्यादा था जिसकी वजह से क्या हो रही थी एक्सपेंशन हो रही थी एक्सपेंशन होने की वजह से जो पिस्टन था वो अप मूव कर रहा था अप मूव होने की वजह से अब जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होने लगी उसकी जो इंटरनल एनर्जी थी क्या होने लगी डिक्रीज होने लगी डिक्रीज कैसे होने लगी देखो जब कभी भी आप अपने व्हीकल चलाते हो ठीक है कार बाइक कुछ भी चलाते हो उसके अंदर हम क्या फिल करते हैं पेट्रोल या डीजल जब हम उसको यूज़ कर लेते हैं पेट्रोल डीजल को यूज़ कर लेते हैं कंबन हो जाती है हमारा चल रहा है हम दस किलोमीटर घूम के आए तो कुछ ना कुछ तो पेट्रोल डीजल खर्च हुआ है ना ठीक है तो खर्च हुआ है दैट मीन्स डिक्रीज़ हुआ है तो ऑब्वियसली जब हमने उसको फिल करा यहाँ पर तब तो उसके पास अच्छी खासी एनर्जी थी लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो क्या हो गई उसकी वो फैलने लग गए एक्सपेंशन और एक्सपेंशन में उसकी क्या हो गई एनर्जी क्या हो गई डिक्रीज़ हो गई क्योंकि उसने कुछ ना कुछ वर्क डन कर दिया ऊपर की तरफ फैला दिया तो उसकी एनर्जी क्या होगी डिक्रीज होगी ठीक है तो अब देखो हमें पता है अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स लो क्या कहता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू तो फर्स्ट केस केस फर्स्ट जब हमने हॉट गैस ली थी तो उसकी इंटरनल एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी क्या हो रही थी डिक्रीज यानी कि इनिशियली इनिशियली उसकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा थी एंड फाइनली उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई कम हो गई डिक्रीज होगी दैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी वो क्या आएगी नेगेटिव यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा क्लियर है ये बात ठीक है ऑल्सो यहाँ पर क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट तो हो ही नहीं रही है हीट नहीं हो रही है तो डेल्टा क्यू जो है वो क्या है जीरो है आपके पास क्या बनती है इक्वेशन माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू ये इक्वेशन आपके पास नॉर्मली आती है ठीक है फर्स्ट केस की बात करें जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है ठीक है इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा यू क्या आ रहा है आपके पास नेगेटिव तो नेगेटिव यहाँ पे अगर मैं पुट करती हूँ माइनस यू और बाहर भी क्या है uh, uh, इसका फॉर्मूले का नेगेटिव ही चल रहा है तो यहाँ पे क्या है डेल्टा डब्ल्यू तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब क्या कि वर्क डन हमारा क्या आ रहा है वर्क डन हमारा आ रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव कब आता है जब सिस्ट जब सिस्टम वर्क कर रहा होता है वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम और यहाँ पे आप देख सकते हो गां पर बाय द सिस्टम हो रहा है एक्सपेंशन हो रही है राइट हॉट गैस फील करी थी टेम्परेचर ज्यादा था एक्सपेंशन हो रही थी पिस्टन ऊपर जा रहा था पिस्टन ऊपर जाने का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम क्या रहा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है क्यों पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव तो हमने इस वाले मेन हमारे फॉर्मूला जो एडियाबैटिक के लिए फॉर्मूला आया उसके अंदर हमने नेगेटिव फील किया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ गया पॉजिटिव ठीक है अब सेकेंड इसका केस लेकर देखते हैं सेकेंड में अगर मैं फिल करती हूँ कोल्ड गैस ठंडी गैस अगर मैं फिल करती हूँ ठीक है अब मैं इसके अंदर ठंडी गैस फिल करूंगी तो क्या होगा अब मैं इसको यहाँ पर ठंडी गैस फिल करूंगी यहाँ तक ठीक है और अब मैं पिस्टन ये है और इस पिस्टन को मैं क्या करूंगी प्रेस करूंगी और मैं कहाँ तक ले आऊंगी यहां तक ले आऊंगी ठीक है यानी कि अब मैं क्या कर रही हूं यहां पर इसको मैं पास पास लेकर आ रही हूँ है ना इसके इसके पार्टिकल्स को पास पास लेकर आ रही हूँ तो अब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी तो इनिशियल एनर्जी उसकी क्या थी जब हमने पिस्टन को प्रेस नहीं किया था ठंडी गैस की जो एनर्जी थी वो ज्यादा थी ठीक है अब मैंने पिस्टन को प्रेस कर दिया और उसके जो पार्टिकल्स थे ट्रिम लास्ट तो इनिशियली उसकी एनर्जी मान लो यू वन थी ठीक है फिर क्या किया मैंने इसके पिस्टन को प्रेस किया पिस्टन को प्रेस किया उसके पार्टिकल्स के आगे पास पास आ गए यानी कि उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा आ गई ठीक है एक्सपेंशन में तो वो रिलैक्स हो गए तो एनर्जी उसकी कम हो गई थी लेकिन अब उसके पार्टिकल्स को मैं धक्के से पास लेकर आई तो वो पार्टिकल्स ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे दैट मीन्स कि उसकी जो फाइनल एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी तो U2 जो होगा इस बार ज़्यादा होगा U1 से तो जब हम U2 टू माइनस यू करेंगे तो वो आएगा पॉजिटिव विच इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो इस बार इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा पॉजिटिव आएगा इसको अगर मैं फिल करती हूं अगेन इस फॉर्मूला के अंदर दैट इज माइनस डेल्टा यू जो हमने एडियाबैटिक के लिए निकाला है इसके लिए अगर मैं फिल करती हूँ पॉजिटिव तो जब मैं यहाँ पे पॉजिटिव फिल करूंगी तो मेरे पास जो वर्क डन आ रहा है वो क्या आ रहा है नेगेटिव ही आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव बाहर आएगा तो नेगेटिव रहेगा तो वर्क डन नेगेटिव ठीक है नेगेटिव का मतलब क्या हो गया नेगेटिव मतलब वर्क डन

हीट जो होती है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं हीट को कांस्टेंट रखते हैं ठीक है अब इस प्रोसेस के अंदर हम कैसे डन निकालते हैं वो देखेंगे उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग इक्वेशन पी वी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट अब ये इक्वेशन क्या है ये आप आगे जाकर हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे इसका प्रूफ हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे यहाँ के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो वेयर गामा जो होता है वो रेशो होता है स्पेसिफिक हीट्स का कौन से स्पेसिफिक हीट्स मॉलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मॉलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ये क्या होता है ये कॉन्स्टेंट होता है नेक्स्ट चैप्टर में आप इसकी वैल्यू भी पढ़ेंगे वन प्लस टू बाई एफ़ समथिंग लाइक होती है वेयर एफ इज़ द डिग्री ऑफ़ फ्रीडम इसको इसक आप ड्रॉप कर दो तो आगे जाके इसकी आप वैल्यू पढ़ोगे ठीक है तो ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे तो अभी इसके हम छोड़ेंगे मेन फोकस करेंगे इसके ऊपर कि किस तरीके से हम वर्क डन हम निकाल रहे हैं ठीक है ओके okay. <coughs> तो अब अगर ये चीज कांस्टेंट है तो वी कैन राइट इनिशियली पी वन वी वन गामा एंड फाइनली भी क्या हो जाएगा पी पी टू वी टू गामा इक्वल होना चाहिए यहां से ठीक है अब यहां के लिए अगर मैं डन निकालती हूँ तो डन क्या होगा डन इज इक्वल टू पी डी वी मैं पूरे सिस्टम के लिए निकाल रही हूँ तो डायरेक्ट मैं तो पूरे सिस्टम का डन ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ फ्रॉम वॉल्यूम वी वन टू वी टू ठीक है फ्रॉम वॉल्यूम वी वन टू वी टू अब मुझे पता है कि जो पी है वो क्या है यहाँ से पी निकालो पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन में वी गामा तो यहाँ पुट कर दो डब्ल्यू इक्वल्स टू अपॉन में वी गामा लेकिन वी गामा को मैं अंदर लेके जा रही हूँ वी गामा दिस इज वी वन दिस इज वी टू ठीक है अब यहाँ से हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन होती है उसका क्या रहता है इंटीग्रेशन में हम लेते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर ऐसे है एक्स की पावर यहाँ पर एन होती है और साथ में डी होता है तो हम क्या लेते हैं एक्स की पावर एन प्लस करते हैं यहाँ पर वी की पावर गामा है लेकिन ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी वी की पावर माइनस गामा ऊपर आ जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं w इक्वल्स टू यहाँ पे तो है कांस्टेंट इसको हम लिख देंगे V माइनस गामा डी एंड वी वन टू V2. अब इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगा दें माइनस गामा प्लस वन अपॉन में माइनस गामा प्लस वन तो ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट इंटू वी माइनस गामा प्लस वन माइनस गामा प्लस वन और इसके जो लिमिट्स हैं वो क्या है वी वन टू वी टू ठीक है अब ये नीचे वाला कांस्टेंट है इसको मैं कांस्टेंट के साथ रख देती हूँ ऊपर कांस्टेंट है नीचे कांस्टेंट है वन माइनस गामा लिख देते हैं इसको ठीक है ओके okay. और यहाँ पे क्या आ जाएगा यहां आ जाएगा v माइनस गामा प्लस वन और लिमिट्स v1 वन टू वी ठीक है ओके नाउ w इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वन माइनस गामा इसको अब क्या लिखेंगे जब हम पहले पुट करेंगे v2 फिर पुट करेंगे v1 और अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेती हूँ यहाँ पर देखो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेती हूँ अंदर क्या बचता है गामा माइनस वन ठीक है और ये माइनस इन्वर्स का है तो इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन में वी गामा माइनस वन मैंने माइनस कॉमन ले लिया ना इन्वर्स ले लिया मैंने तो इसको में ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पर ही पुट कर दो पहले वी टू फिर पुट कर दो वी वन तो क्या हो जाएगा वन अपॉन में वी टू गामा माइनस वन माइनस वन अपॉन में वी वन गामा माइनस वन आ गया ये चीज ठीक है नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट 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 है क्या कांस्टेंट आपके पास ये था पी वी गामा कॉन्स्टेंट जिसको हमने लिखा था कि इनिशियली भी वही रहेगा फाइनली भी वही रहेगा ये लिखा था यहाँ वी टू है तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे पी टू वी टू गामा और यहाँ वी वन है तो उसकी यहाँ आ जाएगा पी वन वी वन गामा तो कॉन्स्टेंट को अंदर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो बाहर सिर्फ रह जाएगा वन माइनस गामा कॉन्स्टेंट जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टू वाली टर्म्स है फाइनल है तो फाइनल के लिए ये वाला ऊपर आ जाएगा कॉन्स्टेंट पी टू वी टू गामा माइनस इनिशियल ये इनिशियल के लिए है तो इनिशियल के लिए ये वाला कॉन्स्टेंट ऊपर आ जाएगा पी वन ये वन गामा ठीक है अब यहाँ पर एक और चीज देखिए ऊपर है वी टू गामा नीचे है V2 टू गामा माइनस वन अगर ऊपर V2 टू गामा है नीचे वाला मैं ऊपर लेकर जाती हूँ तो क्या आएगा V2 टू माइनस गामा है ना माइनस गामा माइनस वन तो मैं पूरी की पूरी टर्म ऊपर लेके गई हूँ बीच में क्या है माइनस है फिर वी टू गामा फिर वी टू माइनस गामा डॉट वी टू माइनस का वन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का वन है ना अभी माइनस का गामा प्लस का गामा कैंसिल क्या बच गया सिर्फ वी टू की पावर वन समझ रहे हो इस बात को तो वी टू गामा v2 टू गामा कैंसिल आ जाएगा v2 टू माइनस वन और ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस वन तो इसको ऐसे कैंसिल करके हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं वन माइनस गामा और ऊपर आ जाएगा p2 v2 वी टू माइनस पी वन वी वन गामा वाली टर्म्स क्या हो चुकी हैं कैंसिल हो चुकी हैं तो अब हमारे पास क्या है अब p1 v1 p2 v2 पी टू वी टू क्या होता है अगर मैं इक्वेशन लिखती हूँ पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी ठीक है वन वन के लिए टी वन हो जाएगा P2 V2 के लिए क्या जाएगा? Mu R T2 हो जाएगा म्यू आर टी टू हो जाएगा ठीक है अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा W इक्वल्स टू वन माइनस वन अपॉन वन माइनस कामा पी टू वी टू की जगह पे क्या लिख सकती हूँ म्यू आर टी टू माइनस इसकी जगह पे क्या लिखूंगी म्यू आर टी वन ठीक है ऑल्सो अगर मैं इसको यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ माइनस माइनस कैंसिल यहाँ आ जाएगा वन अपॉन गामा माइनस वन और ये टर्म प्लस की हो जाएगी ये टर्म माइनस की हो जाएगी ठीक है तो कॉमन ले लेते हैं म्यू आर और टी वन माइनस टी टू ये आ जाएगा कॉमन लेके माइनस का ठीक है सो दिस इज द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस अब यहाँ से आप ये देख सकते हो कि सबसे पहले इफ इफ टी वन इज ग्रेटर देन टी टू ठीक है कि यानी कि पहले वाला टेम्परेचर ज्यादा है दूसरे वाला टेम्परेचर कम है देन हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा ठीक है क्योंकि ये बड़ा है पॉजिटिव का मतलब क्या होगा वर्क इज डन बाय द सिस्टम सिस्टम वर्क यहां कर रहा है तो ये आ जाएगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास इफ T2 टू इज ग्रेटर देन टी यानी कि बाद वाला टेम्परेचर अगर ज्यादा है पहले वाला टेम्परेचर से तो वर्क डन क्या आएगा वैल्यू क्या आएगी इसकी नेगेटिव आएगी और नेगेटिव का मतलब क्या है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम ठीक है सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया गया है तो अगेन अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही T1 वन इज ग्रेटर देन टी है T1 वन ग्रेटर देन टी का मतलब क्या हुआ फिर से आ जाओ आप इसी फॉर्मूले पे T1 वन ग्रेटर देन टी का मतलब क्या है कि पहले हमने हॉट गैस फिल करी थी तो इस केस में हमारा T1 वन ग्रेटर था T2 से है ना हमने हॉट गैस फिल करी थी उसके बाद वो अपने आप क्या होने लग गई थी एक्सपेंशन होने लग गई थी यानी कि बाद में उसका टेम्परेचर डाउन होने लग गया था है ना फैल के तो हमने हॉट गैस फिल करी थी तो वो हो गया T1 वन ग्रेटर देन टी तो उसके लिए वर्क डन आया था पॉजिटिव तो हमारे फर्स्ट केस के लिए वर्क डन कितना आया था पॉजिटिव एक्सपेंशन हुई थी एक्सपेंशन में हमारा डन आया था कॉन्स्टेंट uh, वो पॉजिटिव आया था ठीक है सेकंड में अगर देखें तो यहाँ पे है टी टू इज ग्रेटर देन टी वन यानी कि जो हमने टी वन मतलब कि हमने कोल्ड गैस फिल करी थी जैसे हमने प्रेस किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया टेम्परेचर बढ़ा तभी तो हम कह रहे थे उसकी फाइनल एनर्जी जो होगी ज़्यादा हो जाएगी उसकी फाइनल एनर्जी है ना तो इस केस में जो है वो आपका टी uh, टू जो है वो ग्रेटर है टी वन से तो हमने तो कोल्ड गैस फिल करी थी तो इसमें क्या हुआ था कॉम्प्रेशन हुआ था कॉम्प्रेशन का मतलब क्या हो गया कॉम्प्रेशन मतलब कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है एंड वर्क डन इज नेगेटिव सो दिस इज हाउ हमने क्या किया हमने इससे भी वेरीफाई कर लिया तो क्या फॉर्मूला तो निकाले ही निकाले हैं साथ में इससे हमने वेरीफाई भी कर लिया तो ये था थर्ड आपका एडियाबेटिक प्रोसेस चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे तो इस तरीके से हमने वर्क डन निकाल लिया फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस नेक्स्ट आता है वो आपके पास नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस ठीक है जब हम यहाँ आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करेंगे आइसोकोरिक ठीक है आइसोकोरिक का मतलब क्या है डेल्टा वी जो है वो क्या है जीरो इसके लिए अगर आपको डन निकालना तो डन का सिंपल फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पर पी डेल्टा वी ठीक है ये है आपके पास ओके आ, तो यहां से आप कह सकते हो कि ये हो गया जीरो तो वर्क डन भी कितना हो गया ज़ीरो और हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ठीक है अब डेल्टा डब्ल्यू ही जीरो है तो दैट मीन्स डेल्टा क्यू इक्वल हो गया डेल्टा यू के यानी कि जितनी आपने हीट उसको दी है वो उसकी सिर्फ एनर्जी बढ़ा रही है उसका एक्सपेंशन नहीं कर रही है ठीक है उसके अंदर सिर्फ उसकी एनर्जी बढ़ रही है आप जितनी उसको हीट दे रहे हो उसका एक्सपेंशन नहीं हो रहा अगर वो एक्सपेंशन नहीं हो रहा दैट मीन्स वो वर्क डन नहीं हो रहा तो ये पिस्टन उठ के ऊपर नहीं जाएगा ना अगर चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं हो रहा तो तो एक्सपेंशन नहीं हो रहा दैट मीन्स जितनी आप हीट दे रहे हो उसकी सिर्फ इंटरनल एनर्जी ही बढ़ रही है तो ये था आपका आइसोकोरिक प्रोसेस फिर फिफ्थ आता है आपके पास आइसोबारिक प्रोसेस आइसोबारिक में पी आपका कांस्टेंट होता है उसके लिए जो वर्क डन होगा वो क्या होगा P डेल्टा V डेल्टा V मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम राइट तो उसके लिए अगेन हमें पता है कि पी वी इक्वल्स टू म्यू आर टी होता है ठीक है अगर चेंज इन वॉल्यूम हम करते हैं ठीक है थेके? तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर भी होगा टी टू माइनस टी वन भी आएगा यहाँ पर ठीक है तो हम यहाँ पर सिर्फ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके म्यू आर टी टू माइनस टी वन लिख सकते हैं ठीक है कि इतना डन होता है ठीक है फॉर एन आइसो इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी है ना अब इस साइक्लिक प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज नहीं आता यानी कि ये पोर्शन जीरो यानी कि डेल्टा क्यू जो है वो डायरेक्टली क्या होता है वर्क डन के इक्वल होता है यानी कि जितना आप उसको हीट दे रहे हो वो सारी के सारी किस्में जा रही है वर्क डन में जा रही है उसकी इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज हो रही है सारी के सारी किस्में कन्वर्ट हो रही है वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है तो ये था ऑल अबाउट थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस सो थैंक यू दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर थैंक यू